सासू माँ और रहा था कहा देखा भागा दिन भर बुढ़ा देख ला भैया लगन बुढ़ा भागा तय नो नमस्कार प्रणाम उसको छोड़ भैया जय रंगीला आप सभी के स्वागत बा जय रंगीला शॉर्ट ऑफिशियल चैनल में। तो भैया चलिए आज हम दिखाते हैं आप सबको हमारे ससुराल में कितने लोग हैं और कौन कौन है। और फिलहाल हमारी बीवी उधर तैयार हो रही है, इतना मुझे कंजा बना दिए कि कहा कही दोस्त देख ला पहले से मिल ला देख लीजिए दोस्तों बोल दे हेलो बाय बाय बोल दे रे बोल ससुरारी माल इधर नहीं हरे अवल तो भाई जान ले इतना ही घनावल इतना घनावल है बस हम नहीं हरे में करे आएगा हम बेबस हो जाइले हम कुछ ना कह पाइले लेकिन अब ले चल थी रस्ते भर न भरे कांगड़ा बाजे न बहुत बोलन बहुत मारे ले इतना भी हद से ज्यादा बेज्जती हमार कर था ना का बताई। आज जान लग पूरे एक साल बाद लगभग एक साल का बिया छोड़ने के बाद 7-8 महीना बाद नया कपड़ा खरीद ले है ये करे चलते नया कपड़ा खरीद के पहन ली है करे चलते कहा हमारे ससुरारी हमारे नैहरे बेज्जती करा देला एक कपड़ा तू बार बार पहन के वाला। फिलहाल दोस्तों अब वीडियो इतने दिन से नहीं मिल पाया तो आप सबको शाम वाले वीडियो में बताऊंगा कि क्या रीजन था क्या दिक्कत था। और चलिए सबसे पहले मिलाते हैं अपनी छोटी वाली सड़वाइन से। मेरी छोटी वाली सड़वाइन बेचारी बीमार है दिखा यार देख सकते हैं दोस्तों हमारे छोटी सड़वाइन बुखार हुई है तो इधर फिलहाल ब्लर किए हैं पूरा चेहरा इनका नहीं आएगा सर। और इनके अभी बहुत टाइफाइड मलेरिया डेंगू हो गया और ऐसे ई बीमारी देखे चाँप चात रहा टाइफाइड मलेरिया डेंगू बेचारी अच्छी अच्छी सड़वाई नहीं चाँप देता। फिलहाल चलिए इधर दिखा देते हैं और चलिए मिलाते हैं हम अपनी बूढ़ा से। ये देखिए हमारी है सासू माँ और रहा था कहा है देखा भागा दिन भर बूढ़ा देख ला भैया लगन बूढ़ा भागा तय नो बूढ़ा भागा नहीं। और दोस्तों आप सबको मिलवाई दिए चलिए अब मिलवाते हैं अपने दो बड़े बढ़िया बढ़िया एक हमारे साला जी हैं इधर आइए ये देखिए आप सबको मिलवाते हैं इनसे। देखा मुँह तो ओपन है ज़्यादा लजाने मेरा उसे लेकिन फिलहाल आप सबको बता देते हैं कि बोल नहीं पाते हैं थोड़ा सा मुँह से बोल नहीं पाते हैं। हाय बोल दो ऐसे ऐसे करो हाय। और देखिए हमारे साले जी के छोटे वाले लाले हैं ये देखिए भाग रहे हैं गड़खुल्ला बाबा हे भैया ये देखिए हाय बोल हाँ हे देखिए ये छोटे वाले हैं और फिलहाल अच्छा बड़े वाले साले एकदम लजा के भाग रहे हैं क्योंकि रात में ऐसा हमारे साथ दुर्गति कर दिए थे कि शायद वो इस टाइम आना नहीं चाहते। फिलहाल अभी हमारे बुढ़ाऊ होन खेत में गल होन और फिलहाल हमें निकले के बाद बहुत जल्दी खड़े कहे से कि आज लगभग 1.5 दिन से 2 दिन से ससुरारी में रात जिंदगी उबिया गलो वीडियो ना बन पोरे आप सबके बता दी। और बहुत जल्द आप सबके क्या करिए हम दे भैया अब मेहरा भी लेके चला था ये नहीं पहले रास्ते भर कांगड़ा वो फिलहाल यही लोग हैं 3-4 लोग हमारा सरहस देखा ये देखा हुआ देखा देखा देख लगा जितनी है हमारे मतलब ऐसा ससुरारी में सरहस सार सब भागा था लुकत है। अरे देखिए केवाड़ी बंद हो गया है केवाड़ी देख लीजिए बंद कर दी है या बूढ़ा कहा था हमारी बिटिया का करे मरवा अब यही तोरे बिटिया देखा का करी थे। और दोस्तों यही था थोड़ा सा परिवार और दिखाते बैक कर कर हमारी ससुराल कितनी बड़ी है और क्या क्या हमारे ससुराल में है तो आप लोग बैक करके कैमरा से देखिए। तो दोस्तों आप सब देख सकते हैं कि यही मेरा ससुराल है यहाँ हमारे ससुर जी सोते हैं और फिलहाल उसमें हमारे सहरसा रहा सोवन है वो वाले खपड़ाइला में शायद जैया आनी पानी आई चाँप की गिर और वहाँ देखा मेहरारू हो और यही सब मेरा पूरा छोटा मोटा सा ससुराल है। और आप लोग से दुआ करते हैं देखिए बच्चे हैं इधर गांव के और आप सबसे दुआ करते हैं कि आप सबको अच्छा लगेगा। और फिलहाल जूम करके चलिए दिखाते हैं कि बबीता रेडी हो चुकी हैं चले बबीता हेलो नहीं नहीं अरे आई कि इतना फॉर्म में आ जाती हैं। फिलहाल आप लोग दोस्तों आप लोग कमेंट करें जरूर बताना कि बबीता जी का ये घर कैसा है और फिलहाल बबीता जी का नुस्खा कैसा है। तो चलिए ऐसे करते हैं दी एंड लव यू थैंक यू और मिलते हैं शाम वाले वीडियो में टाटा नमस्कार। बूढ़ा हमारे एकदम ताकत है सन्न मन हो के तो इन्हें ज़्यादा देख के लाइक दिया धन्यवाद थैंक यू।